कोविड महामारी को लेकर उठाए जा रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवालों का यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। ये सरप्लस है, हमारा जो प्रदेश सरकार का नियमित 12 महीने चलता है वितरण, वह वितरण आगामी 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क कर दिया है। सर, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो भी कोरोना के आंकड़े दिए जा रहे हैं, मृत्यु के, वो गलत दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास केवल 2 काम है इस पूरे कोरोना काल में। अखिलेश यादव ने केवल 2 काम किया, एक आजम खान को देखने गए और दूसरा बाराबंकी में एक अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी, उसको वहां के प्रशासन ने न्यायोचित तरीके से हटा दिया, तो उस पर हायतवा मचा रहे हैं। आजमगढ़ के सांसद हैं 2 साल से, कितने 100 लोग वहां मर गए, क्या हो गया, एक बार झांकने नहीं आए। अखिलेश यादव जी, जिनकी कोई जमीन नहीं बची है, उल जुलूल बयान देना, जो राहुल गांधी जी से अपनी प्रतियोगिता करते हैं, उनको उनकी बातों के लिए धन्यवाद। सर, कोरोना काल में आयुष्मान कार्ड कितना कारगर है? बिल्कुल कारगर रहा, कोरोना काल में सभी को निःशुल्क इलाज दिया गया है, कहीं पर भी किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए गए। जिनके पास आयुष्मान कार्ड था, जिनके पास नहीं भी था, आगे आज भी चल रहा, आगे भी चलता रहेगा। आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब तक जो आयुष्मान कार्ड से जो है किसी भी मरीज का जो है इस दौरान जो कोई इलाज नहीं किया गया है। नहीं, हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं और अनेक लोगों की सद्भावनाएं भी आती हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा के अनेक जो उनकी गंभीर बीमारियां थी उससे निजात पाए हुए हैं, और आगे भी उस कार्ड का लाभ उन परिवारों को मिलता रहेगा। इस कार्ड का लाभ सर, जब COVID-19 जो पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं और निजी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, और तो क्या उनका उस इलाज में इसका मान लोग नहीं माना जा रहा है? सर बिल्कुल, सरकार का पूरा प्रयास है कि हम सभी कोविड मरीजों का निःशुल्क इलाज कर सके। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी, उनके लिए भी रेट तय किया गया है, और सभी जगह निःशुल्क इलाज हो, सरकार का यह प्रयास है और सरकार ने उसमें सफलता भी पाई। 75 जिलों में आज योगी जी ने 93,000 जनसेवा केंद्रों के माध्यम से वैक्सीनेशन और जांच की प्रक्रिया की शुरुआत की है, क्या बड़ा चैलेंज है? नहीं, इसमें यह बात, जो वैक्सीनेशन हमारा होना है 18+ के लोगों का, 18 से 44 के लोगों का, ये हमारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। गत मंत्रिमंडल की बैठक में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया कि हमारे अनेक ऐसे परिवार हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जो स्वयं से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, OTP आता है और हम OTP डालते हैं, तो इसके लिए हुआ कि हमारे जितने ग्रामीण हमारे जो जनसेवा केंद्र हैं उनको इससे जोड़ा जाए और सभी लोगों का, जैसे अभी 23 जनपदों में हमारा चल रहा है 18+ के लोगों का, हमारे 75 जनपद कुल हैं, हम सभी को बहुत जल्द आच्छादित करने जा रहे हैं। तो जिन जिन जनपदों को हम जिस श्रेणी में लेते जाएंगे, हमारे जनसेवा केंद्रों को पहले से सजग कर दिया गया है कि जैसे वो जनपद उस श्रेणी में आएगा तुरंत सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सभी लोग अपने क्रम में जाकर के वैक्सीनेट हो सकेंगे, यही सरकार का प्रयास है। जिला पंचायत चुनाव में आपके मतदाता दल के कुछ ही चुनिंदे 6 या 7 सदस्य चुने गए हैं, इस हार को आप किस तरह से ले रहे हैं और क्या समझ? अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसी भी चुनाव में तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में अपने पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को सुधारा है, आगे बढ़ी है, और इस चुनौती के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह अपने को स्थापित किया है। मंत्री जी, जनपद में ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है? नहीं, ईश्वर नहीं करे कि ब्लैक फंगस यहाँ आए, अभी तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। मंत्री जी, जब से COVID-19 महामारी शुरू हुई है तब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर और कार्य करते हुए दिखा, लेकिन किसी भी पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी नहीं दिखा, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है? हम तो अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का जानते हैं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि यद्यपि स्वयं भी संक्रमित होने के बाद भी जिस तरीके से भी काम किया जा सकता था वैसे काम करने का प्रयास किया, और कोई भी चाहे प्रशासन के लोग हों चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, सभी लोगों ने अपने जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहे हैं, लोगों की सेवा निरंतर जारी रखे हैं। आजकल ऐसा भी है कि वर्चुअल माध्यम है, फोन के माध्यम है, जिनसे कि सदैव आप सेवा कर सकते हैं,
तो उन लोगों ने किया। सर मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि पत्रकार एवं उनके परिवारों को वैक्सीनेशन लगाया जाए, हालांकि जिलाधिकारी के प्रयास से सारे पत्रकारों को लगभग वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है। उनके परिवारों को जो गाइडलाइन उसको क्या, अरे उनके परिवारों को भी, उनके परिवार का भी होगा। अगर आपका हो गया है आपका, और देखिए मैं तो चूंकि आपके लिए बात है तो मुझे वो स्वयं नहीं कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था की अगर कुछ होता है तो हम 5 लाख की एक सहायता भी देंगे, और हमारे सही पत्रकार जो फ्रंट लाइन वर्कर माना जा रहा है आपको है भी आप लोग, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि आपको और आपके परिवार को वैक्सीनेट कर दिया जाए। आप स्वयं कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद भी है, और सरकार और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण जिलाधिकारी महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद। सर एक हफ्ता पहले